हेलो बच्चों, हाउ आर यू। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया है, हाउ विल यू कन्वर्ट। तो अब वो लास्ट वीडियो तक हमने कराया था, वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा। लिंक इस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से सर्च कर लीजिएगा या फिर हमारे चैनल एपेक्स नीट केमिस्ट्री को सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारी वीडियोज आप लोग देख लीजिए। आज जो हमने क्वेश्चन लिया वो क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शंस। ठीक है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, अक्सर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिया है, वैसे हमने ये सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, ठीक है, रिवाइज करा रहे हैं। जो पहला एग्जाम्पल है वो है CH3, CH2, CH2 और ये आपका Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई गई है NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और इसको हीट किया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। कंप्लीट द रिएक्शन है। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, लिख दिया आपने। चलिए अब हम लिख रहे हैं, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा CH3, CH2, CH2 और सी के सी एल की जगह पर आई आ जाएगा और साथ में NaCl। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इजी रिएक्शन है। आपको क्या करना है, इसका और इसका IUPAC नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। CH3 होल थ्राइस सी बियर, इसका IUPAC नेम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं KOH के साथ, ये ध्यान रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल और क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। ठीक है, अब बताइए, आप जल्दी से इसका प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, देखिए ये आपको याद रखना है, जो KOH है ये अगर आप लेंगे तो ये रिएक्शन जो होगी इलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 सी डबल बॉन्ड और ये आपका CH2। ठीक है, और साथ में इलिमिनेशन रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट होंगे वो KBr और H2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका और इसका IUPAC नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द रिएक्शन का पहला क्वेश्चन। CH3 CHBr, ठीक है, और CH2 CH3। अब इसका नाम भी आप लोग चैट सेक्शन में लिखिएगा और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए बताइए इसका प्रोडक्ट, जल्दी से लिखिए आप लोग। देखिए इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बहुत इजी रिएक्शन है भाई। इसका प्रोडक्ट होगा, देखिए यहाँ पर CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OH। ठीक है, इसका नाम बताइए आप लोग और बाई प्रोडक्ट में देखिए NaBr होगा और साथ में H2 होगा। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी के IUPAC नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है CH3 CH2 Br और साथ में KCl। ठीक, इसकी रिएक्शन करानी है एथेनॉल और एथेनॉल कैसा लेंगे, एक्वस। चलिए बताइए जल्दी से प्रोडक्ट, ये रिएक्शन करवा चुके हैं हम आप लोगों को। ठीक है, लास्ट वीडियो देखिएगा, सारी रिएक्शन करवा चुके हैं, केवल एक कंप्लीट द रिएक्शन है तो आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 और ये CN हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट क्या होगा, KBr। ठीक है, बाई प्रोडक्ट में KBr।
नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंप्लीट द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ONA, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करानी है C2H5Cl के साथ। ठीक, देखो क्या बनेगा, यहां से आपको मिलेगा वो तो रहेगा ही, और ये NaCl यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, NaCl निकल जाएगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, C2H5 ईथर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन सभी रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बने हैं उनका आपको IPSC नाम लिखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है CH3 CH2 CH2 OH और SOCl2 के साथ रिएक्शन करानी। अब ये कौन सी रिएक्शन है इसका नाम भी लिखना है। ठीक है, इन रिएक्शन में जो रिएक्शन नेम रिएक्शन है उनके नाम भी लिखने हैं, साथ में IUPAC नेम भी लिखने हैं। ठीक है, ऐसे नेम लिखना है चैट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर डालना और उसके बाद बताना है कि कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन लिखनी है और उसके बाद फिर आपको IUPAC नेम भी लिखने हैं। ठीक, चलिए बताइए यहाँ पर क्या बनेगा। इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 CH2 CH2 और OH, यहाँ उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक, बाय प्रोडक्ट में HCl और SO2 बनेगा। ठीक, इसका IUPAC नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है और इसका भी नाम लिखना है। अब ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है, इसका नाम भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चलिए नेम हम बता दे रहे हैं, बाकी के आप लोग लिखिएगा। डार्जेंस रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये, डार्जेंस रिएक्शन है। ठीक, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, 7 क्या कह रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, एसिमेट्रिक एल्कीन है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ और प्रेजेंस क्या है, पेरोक्साइड। ठीक है, अब बताइएगा आप लोग इसका नाम IPSC और इस रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है उसका नाम लिखना है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन नेम रिएक्शन है आपको नाम बताना है, और जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट होगा, देखिए यहाँ लिख रहे हैं CH3 CH2 CH2, ठीक है, यहाँ पर भी CH2 और ये हो जाएगा Br, इसका भी आपको नेम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 होल ट्वाइस और HBr। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि A क्या होगा, नोट कर लीजिए, और सारी रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट उनके IUPAC नाम लिखना है, किस रिएक्शन का क्या नाम है, अगर वो नेम रिएक्शन तो आपको नेम चैट सेक्शन में लिखना है और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।